Redbull gives you wings. Redbull gives you wings. क्या आपने अभी सोचा है कि मैंने और आपने काफ़ी दफ़ा रेडबुल पी होगी, ऐसी बहुत सी ड्रिंक्स पी होंगी जिनके आप अगर एडवर्टाइजमेंट देखें तो उनमें बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेडबुल की ही मिसाल ले लें तो ये कहता है रेडबुल गिव्स यू विंग्स, बट आपने और मैंने कई दफ़ा रेडबुल पी है बट हमारे कोई विंग्स नहीं आई। तो क्या एक कॉमन बंदा ये सोच सकता है कि मैंने रेडबुल पी मेरे विंग्स नहीं आए तो मैं क्या उठकर कोर्ट में जाकर इनको सू कर दूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे स्नैक्स हैं जो कहते हैं कि हम ये खाएं, वो पिएं, ये करें, तो आपको ऐसी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल एक कॉमन बंदा ऐसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर एक ड्रिंक पी तो मेरे से बिजली निकलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करता क्योंकि ये एक टैक्टिक्स होती हैं एडवर्टाइजमेंट, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ईयर 2013, बेंजामिन कैरियथर्स वर्सेस रेडबुल नॉर्थ अमेरिका। इस केस में क्या हुआ, एक अमेरिकन खातून थी, उसने सिर्फ इस बुनियाद पर रेडबुल को सू कर दिया कि मैंने इनकी ड्रिंक पी और मेरे कोई विंग्स नहीं है, तो लिहाजा रेडबुल गिव्स यू विंग्स इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक गलत जुमला है। अब जैसा कि उस खातून ने रेडबुल पी, उसने कहा मेरे विंग्स नहीं आए, तो अगर आम बंदा ये चीज़ सोचे तो वो कहते हैं कि क्या बेवकूफ़ाना बात है कि जो इस चीज़ को सीरियस ले रहा है। बट अमेरिकन्स ने इस चीज़ को इजी नहीं ली, उन्होंने देखा कि एक कंपनी एक जुमला रख के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो क्यों वो एक फॉल्स स्टेटमेंट रख के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इसी बात पे उस औरत ने रेडबुल को सू कर दिया। उसने रेडबुल को इसलिए सू किया कि ये जो इनका जुमला है रेडबुल गिव्स यू विंग्स इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, और मुझे इसके बदले में जो मेरा खर्च हुआ है मुझे इसकी कॉम्पनसेशन चाहिए। तो इस केस को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली, वाइडली स्प्रेड अटेंशन मिली, और आखिरकार कोर्ट इस बात पे सेटल की कि $13 मिलियन उन लोगों को दिए जाएंगे जो इस जुमले की वजह से उन्होंने इस ड्रिंक को कंज्यूम किया। या तो $13 मिलियन उनको दिए जाएंगे या इसके बदले उनको फ्री कॉस्ट ऑफ रेडबुल मज़ीद दी जाएगी। $13 मिलियन एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो क्या रेडबुल, जब रेडबुल ने इस चीज़ की अदायगी की तो क्या उन्होंने अपना ये जो स्लोगन था रेडबुल गिव्स यू विंग्स इसको ख़त्म कर दिया या इसको चेंज कर दिया? बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज भी आप अगर एडवर्टाइजमेंट्स खोलें तो उसमें ये ज़रूर होता है कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स। तो ऐसा क्यों? रेडबुल ने $13 मिलियन देने के लिए रजामंदी का इजहार किया बट उन्होंने अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन कुछ उन्होंने जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ तरह की चेंजेस लेके आए और मैसेजेस, जैसे कि अवेयरनेस मैसेज होते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्लैरिफाई कर सकें कि इस ये जो जुमला है ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट, आइडियल एग्जांपल है, ना कि ये एक लिटरल प्रॉमिस ऑफ अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ये एक सिर्फ एक आइडियल एग्जांपल है, मतलब आप जो एक ख्याली चीज़ को सोचते हैं ये वो है कि ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप में कोई ना कोई ज़रूर चेंजिंग आएगी। $1 मिलियन के साथ साथ कोर्ट ने उनको ये भी कहा कि आपने ज़्यादा एहतियात करनी है आगे से, तो इसी वजह से वो इसके साथ क्लैरिफिकेशन मैसेजेस भी देते रहते हैं कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पार निकल आएंगे। तो इसी वजह से मज़ीद जो लॉ सूट्स हैं वो रेडबुल के खिलाफ नहीं हो रहे। हैरत की बात है, जो हम एक चीज़ को सोचते हैं कि ये एक छोटी सी चीज़ है, उन लोगों ने इसके खिलाफ इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद करके इस चीज़ को सेटल डाउन किया। सो अपने हकूक़ के लिए हर बंदे को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ना कि किसी दबदबे में आके या किसी चीज़ को छोटा समझ के उसके लिए चुप कर जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।